लाल की जय। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महाशायक चारु चापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम् वंदे गुरु परंपराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान सुकुमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। तन मन धन अर्पण कियो तुम पे सब ब्रजराज जो भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। जो भावे सोई करो प्यारे हाथ तुम्हारे लाज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे मुरारे हे नाथ नारायण हे हर वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे मुरारे हे नाथ नाथ नारायण नारायण
वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, दीन बंधु, दया सिंधु, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणा वरुणालय, कृपा करुणा की मूर्ति सच्चिदानंद घन भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा उसका रसपान कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के ऊपर, हम सब जीवों के ऊपर श्री ठाकुर जी की अतिशय कृपा है, अतिशय करुणा है। जब भगवान जब किसी जीव के ऊपर अतिशय प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, तब उसे सत्संग प्रदान करते हैं। अपनी बात, भगवान अपनी कथा तब उस जीव को प्राप्त कराते हैं जब उसके ऊपर ठाकुर जी रीझ जाते हैं, बड़े बड़े प्रसन्न होते तब। महाराज, ऐसी ऐसे संतों के उदाहरण हैं कि संतों ने, भक्तों ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद उनसे यही मांगा, बोले महाराज आपकी कथा हमें सुनने को मिलती रहे। ये मांगा दर्शन करने के बाद, नहीं तो कथा हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए सुनते हैं। भगवान को प्राप्त कर लिया, ठाकुर जी मिल गए और अब उनसे यही मांग रहे। भगवान ने कहा वरदान मांगो, उन्होंने मांगा महाराज हमें आपके चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो और सदैव सत्संग मिले। बोले महाराज मोक्ष नहीं चाहते, हमारा हमारे कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जहां जन्म हो वहां आपके चरणों की भक्ति करें और हमें वहां संतों का संग मिले। संतों का संग माने आपकी कथा मिले। संतों का संग, जब हमें सत्संग मिलता है, हमें संत मिलते हैं, तो वे भगवान की बात ही तो बताते हैं। हैं? संत वही है जो हमें श्री ठाकुर जी की चर्चा सुनावे, भक्त भगवान की कथा सुनावे। अगर भले ही संत स्वरूप में कोई हो, महापुरुष, लेकिन अगर वे भगवान की बात नहीं करते, संसार की, शरीर की बात करते हैं, तो समझना चाहिए भीतर से भक्त नहीं, भीतर से संत नहीं। संत तो वही हैं जो भगवान की बात करें, भगवान की चर्चा करें, ठाकुर जी की कथा करें। तो शंकर जी ने साक्षात उमापति देवाधिदेव महादेव, वे भगवान से क्या मांग रहे हैं? सामान्य जीवों की तो बात ही छोड़ो। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ तब भोले बाबा भी राज्याभिषेक का दर्शन करने अयोध्या गए और वहां दर्शन करके बड़े आनंदित हुए, स्तुति करी और अंत में वे मांग रहे हैं, बार बार बर मांगम हरषि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग।
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। आपके चरणों में हमारा प्रेम हो और हमें सदैव सत्संग मिले। तो हम निवेदन ये कर रहे हैं कि महाराज जब भगवान राजी होते हैं तब संतों का संग, भगवान की कथा मिलती है, सत्संग मिलता है। और भगवान के मिलने के बाद भी भगवान कृपा करके यही वरदान देते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरी कथा सुनो, सत्संग करो, साधु संग करो। तो ठाकुर जी की हम सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है, अपार कृपा है, जो हम सब लोग विगत कुछ समय से श्रीमद् भागवत जी की रसमयी चर्चा का लाभ ले रहे हैं। 84 कोस ब्रज मंडल की पवित्र भूमि में बैठ करके यहाँ से हम श्रीमद् भागवत जी की चर्चा करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके इस भागवत रस चर्चा का लाभ ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, मैत्रेय विदुर जी का संवाद चल रहा है, मैत्रेय जी और विदुर जी का। उसमें श्री वाराह भगवान के अवतार की कल कथा कही गई और अंतिम में जो वाराह भगवान का जो चरित्र है उसको श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान के प्रसन्न होने से फिर महाराज और क्या चीज दुर्लभ है, इसका हमने निवेदन किया। जो अंतिम श्लोक है 13वें अध्याय का, उसका वर्णन करके, स्मरण करके फिर 14वें अध्याय की, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं तो आज 14वें अध्याय की कथा है ये। जब इसको वीडियो को उसमें डालते हैं तो जी वहां अध्याय लिखते हैं, तो जी इसलिए मैंने निवेदन किया कि 14वें अध्याय की आज कथा है, तृतीय स्कंध चतुर्दश अध्याय। और उसमें अभी वाराह भगवान का चरित्र चल रहा है, वाराह भगवान की कथा भी चल रही है। तो महाराज की जय। ओ नाम लोके पुरुषार्थ सार पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आपी करणां जलि भीर भवापहा महो विरज्जेत विना नरे तरम महो विरज्जेत विना नरोतरम। श्री मैत्रेय भगवान कह रहे हैं कि हे विदुर जी, भगवान की जो कथा है वो महाराज बड़ी प्राचीन भगवान की कथाएं हैं। भगवान की जो कथाएं हैं वो महाराज इतनी प्राचीन है कि उनका वो घटनाएं कब घटी इसका भी ठीक ठीक अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। सनातन कथाएं हैं। भगवान का अवतार जब नहीं होता ना, अब जैसे श्री कृष्ण भगवान का अवतार अभी हुआ नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले ही उनके लीला चरित्रों की कथाएं शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन कर दी जाती है। अभी देखो, अभी कल्कि भगवान का अवतार हुआ नहीं है, लेकिन कल्कि भगवान का चरित्र शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। वो भगवान कहाँ अवतार लेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो बोले भाई, भगवान के अवतार की भी आपको पता चल जाती, ये क्या है, क्या विज्ञान है? तो बोले महाराज, ये केवल इस कल्प में ही नहीं, और जो पहले कल्प हो गए हैं उन कल्पों में भगवान के अवतार हुए हैं। तो ये जो अवतारों की जो श्रृंखला है ये हमेशा बनी रहती है। ये अवतार, श्री कृष्ण अवतार एक बार ही हुआ ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कितने कल्पों में कितनी बार अवतार लिया है और उन कल्पों में असंख्य अपार चरित्र किए हैं। इसीलिए तो हम लोग निवेदन करते हैं, हम लोग कहते हैं कि चाहे हम कितनी भी शक्ति लगा लें, हम भगवान की पूरी पूरी कथा नहीं कह सकते। अरे हमारी तो सामर्थ्य क्या, हम तो मक्खी मच्छर के जैसे हैं।
बड़े बड़े महापुरुष शेष जी, नारद जी, सनकादिक जी, शंकर जी, सरस्वती जी, कहाँ तक कहें वेद भी, जिनकी लीला का, जिनकी महिमा का पार नहीं पाते, कथाओं का अंत नहीं पाते, वे भी पूरा नहीं कह सकते, तो हम तो कह ही क्या सकते हैं, क्योंकि भगवान अनंत हैं और भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुनहिं सब, कहें सुनहिं बहु विधि सब संता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुनहिं बहु विधि सब संता। तो भगवान की जो कथाएं हैं वे बड़ी पुरानी हैं, सनातन कथाएं हैं। तो महाराज वे आवागमन के चक्र को छुड़ाने वाली हैं, भगवान की कथाएं आवागमन से छुड़ा देने वाली हैं। और महाराज कैसी हैं, भगवत कथा सुधाम, वे अमृतमयी हैं, अमृतमयी हैं वे महाराज। हमारे मरे हुए हृदय को, हमारे मृत हृदय को पुनर्जीवित करने का काम करती हैं। हमारे हृदय में जो ज्ञान भक्ति वैराग्य सत्य सदाचार, जो एकदम मरे मरे के समान है, मृत प्राय हो रहा है, मरा जैसा हो रहा है, सोया हुआ है, सुप्त है, सोए हुए को भी मरा ही कहते हैं, मुर्दा ही कहते हैं, क्योंकि जब आदमी सोता है तो उसे बाहरी संसार का भान नहीं होता। वो मृत्यु भी एक एक प्रकार की निद्रा ही है, और निद्रा भी एक प्रकार की मृत्यु ही है। तो महाराज जब हमारे हृदय के ज्ञान विज्ञान भक्ति वैराग्य सत्य सदाचार सोए हुए हैं, सुप्त हैं, और वे उनको जगाने का काम, उनको जीवित करने का काम भगवान की कथा करती है, अमृतमयी है भगवान की कथा। भगवान की कथा उन महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य को सींच करके, भक्ति रस से सींच करके, और वो पुष्ट कर देती है, जागृत कर देती है। इसलिए भगवान की कथा अमृत है। और महाराज गोपियों ने कहा, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। विरह ताप से तपे हुए जो जीव हैं उनको परम शांति प्रदान करती है आपकी कथा। गोपियां कह रही कथा की महिमा, हम नहीं कह रहे, गोपियां कह रही हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंग।